सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने केरला के रहने वाले शिहाब को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। शिहाब जो केरला से पैदल सऊदी अरेबिया का सफर पूरा कर रहे हैं हज करने के लिए। दोस्तों, शिहाब को अब तक कई सारे लोगों ने मुबारकबादी दे दी है। हाल ही में गोविंदा ने भी शिहाब को लेकर एक बात हम सबके सामने रखी। आखिर ऐसा क्या कहा सुपरस्टार गोविंदा ने केरला के रहने वाले शिहाब के बारे में, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, शिहाब की हम बात करें तो शिहाब केरला के रहने वाले एक आदमी है जिन्होंने पैदल सऊदी अरेबिया को जाने का फैसला कर लिया है। शिहाब का ये इरादा है कि वो साल 2023 का हज अदा कर सके। दोस्तों, हाल ही में सुपरस्टार गोविंदा ने भी शिहाब को उनके सफर के लिए बहुत बहुत मुबारकबादी दी। गोविंदा ने कहा कि हम सबको मिलकर शिहाब की जितना हो सका उतना मदद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, शिहाब अगर पैदल सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। इससे भारत देश का नाम और भी काफी ज्यादा रोशन हो जाएगा। दोस्तों, शिहाब अब जहां से भी पैदल गुजर रहे हैं लोग उनकी हर जगह काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। शिहाब का ये मानना है कि पैदल हज को पूरा करके उन्हें इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला को राजी करना है। दोस्तों, गोविंदा का कहना है कि एक मुसलमान इंसान अल्लाह ताला के लिए जीता है और हमेशा अल्लाह ताला को खुश रखने अपनी जिंदगी गुजार देता है। गोविंदा ने कहा कि भारत देश में लोगों को शिहाब की तरह बनना चाहिए जो एक हज मुकम्मल करने पैदल निकल पड़ा है। वैसे दोस्तों, आप सब लोगों का क्या कहना है केरला के रहने वाले शिहाब के बारे में, आप सब लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, अगर आप सब भी गोविंदा के फैन हैं तो आप सब इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना।